नरेंद्र मोदी। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि जितना अच्छा से काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए, देश के लोगों का सारा सुख सुविधा को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने हर संभव प्रयास किया। और किसी तरह से उसने प्रयास किया कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे तथा जितना हो सके लोगों को आने जाने में, कुछ काम करने में सारा सहूलियत हो। और उसी के देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना काम जारी रखा और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जान रहे हैं कि भारत में बहुत सारे से विपक्ष के पार्टियाँ हैं जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम नरेंद्र मोदी को हरा दें और उसे 2024 के बाद सत्ता से बाहर निकाल दें। लेकिन खैर, ऐसा तो सोचना तो संभव है लेकिन करना असंभव का 10 गुना और लाख गुना बोल सकते हैं कि असंभव है। लेकिन खैर चलिए, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखा जाता है ना कि जो विपक्षी है, जो मोदी से जलते हैं, जलनखोर, यही बोलते हैं कि मोदी जनता के पैसे से 10 लाख का सूट पहनता है। तो पहली बात तो यह है कि जो उनके द्वारा जो सूट पहना जाता है उसमें सबसे बड़ी झूठ है कि 10 लाख का नहीं होता। हाँ होता है, 1 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार का होता है। लेकिन आप सोचिए कि जो व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यदि वो अपनी पर्सनालिटी अच्छी नहीं रखेगा, जब केजरीवाल के जैसे जब गमछा लपेट करके जिंदगी भर खांसते हुए रहता है, मरीज की तरह रहता है, और वो जा करके घोटाला पर घोटाला करता है, किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाता है, तो वो चीज़ देख करके सभी को संतुष्टि आ जाती है। जब अलग अलग आप देखते हैं अखिलेश यादव जैसे लोगों को देखते हैं जो नाक टेढ़ा करके किस तरह से बहाना बनाता है, किस तरह से राजनीति करता है, इसी के साथ अलग अलग जो छोटे छोटे जो पार्टियां हैं जो अब किसी किसी क्षेत्र में किसी राज्य तक सीमित हैं, तो उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से नौटंकी करते हुए, ढकोसला करते हुए जब राजनीति किया जाता है, तो वो लोग इन लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन आप सोचिए कि यदि राहुल गांधी जैसे टी शर्ट पहन करके, और खैर टी शर्ट तो उसका महंगा होता ही है, वो तो खैर उसका दिखावा है, लेकिन ऐसे ही जैसे तैसे जा करके भारत के बारे में अपशब्द बोलना, भारत के बारे में गलत गलत बातें जा करके विदेशों में करना, तो वैसे लोग इन चमचों को पसंद हैं। लेकिन जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र मोदी सूट बूट पहन करके जब विदेशों के सामने जाते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, विदेशी प्रधानमंत्री के साथ, विदेशी राष्ट्रपति के साथ जब बैठते हैं और उनके नज़र में नज़र मिला करके बात करते हैं, तो वहाँ पर जाहिर से बात है कि इन्हें अपना जो पर्सनालिटी है उसे उन लोगों के सामने दिखाना होगा तथा अपने पर्सनालिटी से उन लोगों को खुश करना होगा, तभी जा करके वो लोग रेस्पेक्ट से बात करेंगे। लेकिन भारत के बहुत सारे से चुतिये हैं जो कि इसका विरोध करते हैं कि वो उतना महंगा सूट पहनते हैं, उतना महंगा चश्मा पहनते हैं, उतना महंगा जूता पहनते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जितना सैलरी है उसे वो किस प्रकार से दान में दे देते हैं, और उसने कभी ऐसा नहीं किया कि जनता के पैसों लेकर के, और किस प्रकार से जब पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से नौटंकीबाजी की जाती थी, किस प्रकार से भारत का धन हड़पा जाता था, किस तरह से अलग अलग माध्यम से उनका मकसद भारत को विकसित करने का नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ भारत के जो जनता के पैसे वो बैठने से होता था। लेकिन आज खैर जो लोग अपने आँखों पर चमचागिरी का, चुतियागिरी का जो पर्दा डाल चुके हैं ना, उन्हीं लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन किस तरह से आज भारत में डेवलप हो रहा है, भारत का हर एक गांव को देख ले, हर एक शहर को देख ले, तो वहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो पहुँच रही है और किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, ये देखने योग्य बात है और लोग देख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों में गुलाम, जो लोग गुलाम होने का जो बरसों से गुलाम रहे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें आज इस प्रकार से आज़ादी मिल रही, इस प्रकार से हमें इतना सुख सुविधाएं मिल रही ना, तो लोग इस चीज़ को देख करके कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बिके हुए लोग तो खैर ऐसा करेंगे ही कि ज़िंदगी भर ऐसे लोगों की बुराई करते ही रहेंगे। लेकिन सबसे शर्म की बात है उन लोगों को आनी चाहिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की भलाई के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है।